हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप में आपका आहार, यानी आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कि हाई ब्लड प्रेशर में आपकी क्या डाइट चार्ट होना चाहिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहें। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, आज हर 5 में से 3 व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में है। धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रभाव बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी की समस्या, आंखों की रोशनी कम होना, स्ट्रोक, दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लोग तरह तरह की दवाइयां, घरेलू उपाय करते हैं, लेकिन इसमें नियमित डाइट की मदद से भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे डाइट चार्ट, हम आपको डाइट चार्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, आपका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। दोस्तों, आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही रात को पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इस 1 कप ये पानी पिएं। उसके बाद आपको नाश्ते में क्या करना है, नाश्ते में आपको आटा ब्रेड का 1 स्लाइस पर 2 चम्मच पीनट बटर लगाकर खाएं, साथ ही 1 अंडा, 1 कप ताज़ा जूस बिना शुगर का लें, या फिर वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल कनाओ भी ले सकते हैं, 1/2 कप और कम फैट वाला दूध और 2 बादाम भी ले सकते हैं। आप नाश्ते में ये डाइट चार्ट को फॉलो करें। अगर आप आगे ही दोपहर के खाने में आपको मध्य में 1 बॉल विभिन्न सब्जियों को मिक्स करके सलाद बनाकर खाएं, या फिर मध्य आकार के बॉल में हरी पत्तेदार सब्जियां, मशरूम भी मिक्स कर सकते हैं, सलाद बना लें, उस पर हल्का सा जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। आप ये दोपहर में खा सकते हैं। रात के खाने में आप 1/2 कप मसूर की दाल, जिस पर 1/2 चम्मच जैतून का तेल भी डाल दें। रात के खाने में लहसुन भुनी हुई खा सकते हैं, सेमन मछली और अंकुरित दालें भी आप खा सकते हैं रात के खाने में। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। उच्च हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, इसलिए आप अपने डेली डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दोस्तों, अगर हाई ब्लड प्रेशर में ओट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आप हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो आपको नाश्ते में फाइबर से भरे हुए ओट्स का 1 बाउल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल की कई बीमारियों को भी ठीक करता है। ओट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होता है। अगला हमें अनार का जूस। दोस्तों, आप अपनी डेली डाइट में अनार के जूस को शामिल करें। अनार में कई बीमारियों को दूर करने के गुण होते हैं। लगातार 2 हफ्तों तक अनार का जूस 1 गिलास शाम को समय दिए जाने से आपका बीपी कंट्रोल होने लगेगा, तो आप अपने रेगुलर डाइट में अनार के जूस को शामिल कर सकते हो। दोस्तों, चुकंदर, इसे आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसके स्थान में, क्योंकि इसमें नाइट्रेट होता है, जिसकी इसके 1 गिलास जूस लेने के बाद 1 ही घंटे में हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण होने लगता है, इसलिए आप अपनी डेली डाइट में चुकंदर को भी शामिल कर सकते हो। दोस्तों, अगला है टमाटर। डाइट में टमाटर को शामिल करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को रोज़ाना पके हुए टमाटर में आप चाहे तो सेंधा नमक के साथ खा सकते हो, तो आप टमाटर को डेली डाइट में यूज़ करें, आपके हाई ब्लड प्रेशर के काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट की काफ़ी मात्रा में होती है, जिसको स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। डार्क चॉकलेट शरीर में इसी तरह असर करता है जिसे रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए ली जाने वाली कोई दवा असर करती है, इसलिए आप डार्क चॉकलेट का यूज़ भी कर सकते हो। दोस्तों, लहसुन का तो हम सभी जानते हैं, लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। लहसुन का सेवन करने से रक्तचाप नियंत्रण रखा जा सकता है, इसलिए आप अपने डेली डाइट में लहसुन को यूज़ कर सकते हो। आप इसको कि खाने में भी यूज़ कर सकते हो, या आपको जिस तरीके से अगर पानी में भिगो के खा सकते हो, किसी भी तरीके से आप लहसुन को आप शामिल करें। दोस्तों, प्रतिदिन आप मेवे खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, प्रतिदिन से आप 3 से 4 अखरोट और 5 से 7 बादाम अपने डेली डाइट में शामिल करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा हाई ब्लड प्रेशर में। तो
दोस्तों केला भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने केला एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। केले में पोटेशियम से भरे हुए होते हैं, इसलिए ये आपके ब्लड प्रेशर का स्तर कम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है और हमेशा अवेलेबल भी रहता है, इसलिए आप केले को अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों आलू में मैग्नीशियम होता है जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसलिए आलू भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। आलू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी फायदेमंद रहता है। दोस्तों खट्टे फल, नींबू पानी, सूप, नारियल पानी, सलाद, सोया अलसी, काले चने भी ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी डाइट होते हैं। पालक, गोभी, बथुआ, टिंडे, कद्दू, हरे पत्तेदार सब्जियां, लौकी अपने हाई ब्लड प्रेशर की डाइट में ज़्यादा लें। साथ ही पुदीना, नींबू का प्रयोग करें। भोजन में सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सलाद में प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, बिना मलाई का दूध छाछ लेना भी हाई बीपी के इलाज में फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर में रहने वाले के लिए आपका ओमेगा 3 का डाइट में शामिल करना होगा। अखरोट, अलसी, बादाम में काफ़ी ओमेगा 3 होता है, आप इसको शामिल करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको हाई बीपी में क्या नहीं खाना है। बीपी हाई रहने की समस्या में रोगी को नमक कम कर देना चाहिए। काफ़ी और चाय का सेवन अधिक करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप काफ़ी और चाय भी ज़्यादा ना पिए। खाना खाते समय अपने आहार में नमक ऊपर से भी ना डालें, पापड़ बिना नमक का खाएं, चटनी, अचार, अजीनोमेंटो, बेकिंग पाउडर, सॉस खाने में परहेज करें, डिब्बाबंद भोजन से बचें, ऐसी चीज़ों से परहेज करें जिसमें फैट ज़्यादा है। धूम्रपान, शराब का सेवन ना करें, अपने डाइट में बेकिंग सोडे को शामिल ना करें। दोस्तों रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप अपने डेली रूटीन में व्यायाम को शामिल कर लें तो आप तेज़ी से ब्लड प्रेशर घटा सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ सुबह कम से कम 30 मिनट तक तेज़ गति से चलना शुरू करें दोस्तों, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।